फिर आपके पास आऊंगी राज बिहारी जी। मोदी ने केजरीवाल को बधाई दी है दीपक। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल को टेलीफोन किया है, बधाई दी है और लोकतंत्र का तकाजा है। प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया है, दिखाना भी चाहिए। लोकतंत्र का तकाजा यही कहता है कि प्रधानमंत्री जीतने वाले कैंडिडेट को फोन करें। अरविंद केजरीवाल आखिरकार दिल्ली के चीफ मिनिस्टर होने जा रहे हैं। सेंटर और स्टेट को क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली देश की राजनीति है, दिल्ली देश का आईना भी है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अशोक टंडन जी इन तमाम चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये कर्टसीज एक्सटेंड हुई है सर। मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी शुरुआत है राजनीति में और इसका स्वागत किया जाना चाहिए और ये एक सहयोग का हाथ बढ़ाने का भी एक जेस्चर है, क्योंकि जो भी सत्ता में आ जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही नीति आयोग की बैठक में कहा टीम इंडिया है, जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो सभी देश के विकास में सहयोग करेंगे, तो उस दृष्टि से जो हाथ उन्होंने बढ़ाया है ये जेस्चर दिखाकर, ये एक सहयोग का है कि केंद्र और दिल्ली सरकार सहयोग के साथ चलेंगे। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की राजनीति का जेस्चर दिखाना एक बहुत ही अच्छी बात। संजय शर्मा हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, पहली बार नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल की बात हुई है ये? जी हाँ, पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अरविंद केजरीवाल को फोन करके उनकी शानदार जीत पर, उनको ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। इसके पहले वो AK-49 उन्होंने कहा था वाराणसी के दंगल में उन्होंने AK-49 करा दिया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल AK-49 से AK-60 AK-62 बन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अरविंद केजरीवाल के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को स्वीकार किया कि बीजेपी हार चुकी है, अरविंद केजरीवाल अब नया भविष्य है दिल्ली का। बिल्कुल, तो केजरीवाल ने क्या कहा है? केजरीवाल ने ये कहा है नरेंद्र मोदी से कि मैं आपसे मिलने आऊंगा। तो पहले ही दिन थोड़ी थोड़ी दोस्ती, थोड़ा थोड़ा प्यार नए मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। संजय शर्मा, कब मिलने आएंगे प्रधानमंत्री से अरविंद केजरीवाल, ये कुछ खुलासा हुआ है पीएमओ सूत्रों की तरफ से? नहीं, अभी तो कहीं से भी इस बात की जानकारी नहीं मिल पा रही कि कब मिलने आएंगे, लेकिन इतना जरूर है शपथ लेने के बाद ही वो मुलाकात करेंगे, जो औपचारिक भेंट सौजन्य भेंट होती है प्रधानमंत्री के साथ में, और शपथ लेने के बाद ही अरविंद केजरीवाल की मुलाकात प्रधानमंत्री से हो सकती है। बिल्कुल, प्रदीप जी इस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा संकेत है ये। देखिए, जो संघर्ष था, लड़ाई थी, वो दो पार्टियों के बीच में थी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। ये दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच की बातचीत है। दोनों संवैधानिक पद हैं, दोनों को मिलजुल कर ही काम, अगर दिल्ली में कुछ करना है केंद्र सरकार को तो राज्य का सहयोग चाहिए, राज्य की सरकार को अगर कुछ करना है तो केंद्र के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तो ये संबंध तो आगे आने वाले दिनों में उम्मीद करनी चाहिए कि सुधरेंगे। अगर दोनों दिल्ली का भला चाहते हैं तो संघर्ष से या लड़ाई से ये बात आगे नहीं बढ़ने वाली है। ये दोनों समझदार हैं और उनको समझ में आएगा। अरविंद केजरीवाल ने भी कभी अपने कैंपेन के दौरान नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट वो ये कहते थे, उनके फेसबुक पेज पर भी था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल, तो वो बात तय हो गई। हाँ। और मैं ये सोच रहा हूँ शीतल जी की यदि पहली मुलाकात में केजरीवाल साहब ने बीजेपी का वो वादा याद दिलाया मोदी साहब को कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, तो वो मुलाकात किस तरह की होगी? क्योंकि यदि वो सवाल नहीं उठाते हैं तो पत्रकार उनसे पूछेंगे कि आपने ये मांग की कि नहीं की उनसे, और यदि वो मांग करते हैं तो मोदी साहब का रिएक्शन क्या होगा या आगे रिश्ते उनके कैसे रहेंगे देखना होगा। नहीं नहीं, बड़ी दिलचस्प बात है, मैंने अरविंद केजरीवाल से ये सवाल पूछा था कि क्या आप नरेंद्र मोदी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं देश के प्रधानमंत्री के साथ काम करने के लिए तैयार हूं। मैंने उनसे फिर पूछा तो आप नरेंद्र मोदी के साथ काम करेंगे? तो उन्होंने कहा मैं देश के प्रधानमंत्री के साथ काम करूंगा। तो मैंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने के लिए तैयार हूं। मैंने बोला वो बीजेपी के नेता है, तो उन्होंने कहा नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री और मैं प्रधानमंत्री के साथ काम करने को तैयार हूं। तो उन्होंने बार बार इम्फेसिस दे के बात बार बार कही थी कि वो देश के प्रधानमंत्री के साथ काम करने को तैयार है। वो नरेंद्र मोदी से पर्सनली इंटरेक्शन रखने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर
वो उनके साथ हर तरह का इंटरेक्शन रखना चाहते थे और उन्होंने ये बात कही थी अवैध कॉलोनियों के संदर्भ में, ये बात कही थी केंद्र की जो मदद होती है दिल्ली के आर्थिक मदद उसके संदर्भ में, क्योंकि अंततः जो है दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र की मदद के बिना दिल्ली सर्वाइव नहीं कर सकता है और ये बात अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छी तरह जानते हैं और वो केंद्र से बेहतर रिश्ते चाहेंगे ही ताकि दिल्ली का विकास हो सके और इसीलिए उन्होंने मिलने आने की बात कही थी। इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से नदीम जावेद साहब जुड़ गए हैं जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे साथ एक खास मेहमान उदित राज जी जुड़ चुके हैं और श्रवण गर्ग जुड़े हुए हैं। उदित राज साहब, गलती कहां से हो गई? ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी 6 पर आ चुकी है और 6 बीजेपी, माफ कीजिएगा, बीजेपी 6 पर आ चुकी है, कांग्रेस पार्टी 0 पर है और आप 63 सीटों पर। ऐसे में उदित राज जी, सवाल ये उठता है कि अब तो आपको शायद लीडर ऑफ अपोजिशन पद के भी लाले पड़ जाए। भैया नदीम जावेद जुड़ गए, नदीम तो दूसरे चैनल पे बैठे हैं। उदित जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? कितने बजे है आपका? लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही। दीपक, उदित राज जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जावेद भाई के पास चलते हैं। जावेद भाई, मेरा पहला और सीधा सवाल, क्या 2013 में राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के चुनाव जीतने के बाद कहा था कि मैं अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी से कुछ सीखने की कोशिश करूंगा, ये जानने की कोशिश करूंगा कि एक साल में इतना बेहतर प्रदर्शन क्या कर लिया? एक साल बाद 2013 के बाद जब 2015 में चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी की प्रगति इतनी थी कि 8 से आप 0 सीटों पर आ गए। राहुल गांधी ने क्या सीखा? लगता है उन तक भी आवाज नहीं जा रही। दीपक जी, दीपक जी, नदीम जावेद नहीं, मैं जयवीर शेरगिल बोल रहा हूँ कांग्रेस की तरफ से। जी शेरगिल साहब बोलिए। तीन बातें कहना चाहूंगा मैंने सुना। देखिए, ये जो बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, पिछले चुनाव में भी हमारा बहुत बड़ा वोट शेयर कांग्रेस के आम आदमी पार्टी की तरफ गया था और मैं आपकी बिल्कुल बात से सहमत हूं कि जनता इस बार दो बातें चाहती थी। एक, नरेंद्र मोदी जी को सबक सिखाना चाहती थी कि झूठे वादे नहीं चलेंगे। दूसरा, वो चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बहुमत से आए और हम सब जानते हैं कि आज हर कोई जीते हुए घोड़े पे पैसा लगाना चाहता है। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं असलियत थी, जमीनी असलियत थी कि कहीं ना कहीं रेस में नहीं थी, तो लोगों को ये लगा कि वो अपनी वोट भी वेस्ट ना करें और पूरी अपनी ताकत आम आदमी पार्टी के पीछे रखें और नरेंद्र मोदी को सबक सिखाया जाइए। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, आज हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें अपना कान जमीन पे लगाना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी हम लोगों की आशाएं, लोग जो चाहते हैं वो नहीं समझ पा रहे। तो आने वाले टाइम में सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम एकजुट होकर दोबारा जनता का भरोसा जीतें। और जब भी इम्तिहान कोई बच्चा फेल हो जाता है, उसके पास दो ही ऑप्शन होती है, या तो वो क्वेश्चन पेपर और टीचर को गाली निकाले या अपनी अपने अंदर झाके और देखे वो क्यों फेल हुआ है। लेकिन जयवीर जी, आप ये सबक कब सीखेंगे? आगे बढ़ना, ये सबक आप कब सीखेंगे? चुनाव दर चुनाव आपकी दुर्गति होती चली जा रही है और ये आपका वर्स्ट पॉसिबल जो आंकड़ा हो सकता था 0, वो आज आपने दिल्ली में पा लिया है, तो ये सबक कब सीखेंगे आप? एक साल से ऊपर हो गया और ये आपका सबसे खराब परफॉर्मेंस है। नहीं, उसमें दो, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए, हार हार होती है, उसमें कोई इफ्स एंड बट्स और जस्टिफिकेशन नहीं होती। जहां तक सबक की बात है, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है वापस उठना और जीतना। बात है कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी आज की तारीख में काम कर रही है कि नहीं, और क्लियरली कांग्रेस की जो भी हमारी ये स्ट्रैटेजी है आज की तारीख में काम नहीं करनी, तो एक रीवर्क करना पड़ेगा स्ट्रैटेजी को और उठ के वापस आना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। नहीं जयवीर जी, स्ट्रैटेजी है कहां जो काम करे? सवाल यह है कि कांग्रेस के पास स्ट्रैटेजी ही कहां है। नहीं दीपक जी, देखिए, 7 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ है, लोगों का गुस्सा था कांग्रेस के प्रति। 2013 में उससे पहले दिल्ली का चुनाव हुआ है, साफ बात है 7 महीने में गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, तो स्ट्रैटेजी यही है। दोबारा देखिए, हम मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जमीनी लोगों से थोड़ी दूर हो गई है, हमारा कान जमीन पे नहीं लगा हुआ,
तो उस स्ट्रैटेजी को ग्रास रूट पे दोबारा जाना ही हमारी स्ट्रैटेजी और हम उस पर काम कर रहे हैं। आप महाराष्ट्र में देखिए, लोकसभा में हम 16 सीटों पे थे असेंबली पे, और हमने एमएलए इलेक्शन पे 16 से 44 सीटों पे आ गए। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं काम कर रही, पर हाँ जिस तरह की आज हार हुई है हमें बहुत ध्यान और गंभीरता से सोचना पड़ेगा। चिंताजनक स्थिति है कांग्रेस पे, क्या सर्वाइवल पे बात उठ रही है, पर मैं आपको आश्वासन जताता हूं कि कांग्रेस वापस आएगी और दिल्ली के लोगों का भरोसा दोबारा जीतेगी। चलिए देखे कब आती है, अब तो एकदम शून्य पर आकर टिक गई है, और कब आती है ये देख इसका ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उठना आपके लिए कितना मुश्किल अब आगे होगा। दीपक, इस बीच हमारे साथ उदित राज भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल उदित राज जी, ये कैसा प्रदर्शन रहा आपका, इतनी हाई प्रोफाइल कैंपेन, 200 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 2 दर्जन से ज्यादा मिनिस्टर, खुद नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, संघ के कार्यकर्ता, बीजेपी के 10 राज्यों के मिनिस्टर्स, उनके कार्यकर्ता, बूथ लेवल के कार्यकर्ता, पन्ना लेवल के इंचार्ज, बूथ मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, डिवीजन मैनेजमेंट, सब मैनेजमेंट करने के बाद आपको विपक्ष का नेता भी नहीं मिल रहा है, मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए। आप जरूर दीपक जी, कहीं न कहीं हम फेल रहे हैं, असफल रहे लोगों को कनेक्ट करने में, और हमारी रणनीति में भी कमजोरी हो सकती है, कहीं खामी हो सकती है। और एमसीडी को मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूं कि चूंकि वो लोकल बॉडीज है, लोकल गवर्नमेंट है, उसमें हमारी सत्ता है, और जो जनता एक्सपेक्ट करती है, हमसे उम्मीद करती है, जैसे बिजली है, पानी है, सड़क है, और सड़क है, उसके बाद में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं लगता है कि जनता को लगा कि जितना देना चाहिए उतना हम दे नहीं पाए। और मैं यह भी कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा जरूर है, एमसीडी में भ्रष्टाचार है, ये नहीं कि मतलब एक सिस्टम है वहां का, एक पूरा इंस्टीट्यूशन ही इस तरह का बन गया है एमसीडी, तो वो भी एक कारण, मेन कारण मैं समझता हूँ। आप ऑनेस्टली इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं, यही अपने आप में बड़ी बात है। हमारे साथ रजत राकेश टंडन हमारे संवाददाता जुड़ गए, और इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस की इस करारी हार के बाद। रजत, देखिए अरविंदर सिंह लवली ने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है, नैतिक जिम्मेदारी दी है, उसका दिल्ली इंचार्ज पीसी चाको भी सामने आए, उन्होंने कहा है कि जिम्मेदारी मेरी है। मुझे लगता है कुछ देर बाद अजय माकन जो कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष थे, जैसे ही सीट डिक्लेयर होगी वो भी महासचिव पद से इस्तीफा दे सकते हैं कांग्रेस से, वो भी महासचिव पद से इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल रजत यहाँ पर यह है कि वो मीडिया कमेटी के इंचार्ज भी हैं, तो क्या वो मीडिया कमेटी के इंचार्ज, महासचिव पद, स्पोक्स पर्सन पद, तीनों से इस्तीफा देंगे, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी बड़ी बनती है, साथ ही साथ वो जो हैं वो तीसरे नंबर पर भी रह रहे हैं अपने चुनाव क्षेत्र में, ये भी खबर सामने आ रही है, उनकी जमानत तक भी जब्त हो सकती है। बिल्कुल दीपक जी, और जहां तक मेरे सूत्र मुझको बताते हैं, पूरा एक बड़ा रिशफल देखने को मिलेगा कांग्रेस पार्टी में, हमको एक नया इंचार्ज मिलेगा कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कि पूरे मीडिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को देखेगा, भी जब्त हो सकती है। बिल्कुल दीपक जी, और जहां तक मेरे सूत्र मुझको बताते हैं, पूरा एक बड़ा रिशफल देखने को मिलेगा कांग्रेस पार्टी में, हमको एक नया इंचार्ज मिलेगा कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कि पूरे मीडिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को देखेगा। तो आप कह सकते हैं जितने भी कमरे हैं कांग्रेस ऑफिस में, जितनी भी नेम प्लेट्स हैं, वो सब आने वाले दिनों में बदल दी जाएंगी। दीपक, आज शीला दीक्षित क्या सोच रही होंगी? दीपक, आप कांग्रेस पार्टी तो जीतने की उम्मीद नहीं थी, तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ फेंकते हैं? बीजेपी पे क्या होगा? नैतिकता की बातें तमाम नेता करते हैं। नहीं, बीजेपी जितनी छह आगे पर हम आएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अभी थोड़ा इधर उधर जा रहे हैं। देखिए, 8 सीट थी कांग्रेस, तो उससे उनको भी पता था कि इससे कम होने ज्यादा की तो उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन वो जीरो पर आ गए, देश की नेशनल पार्टी नहीं, जीरो नहीं, नंबर एक सत्तारूढ़ पार्टी 6 पर आ जाए, नहीं, नंबर एक की पार्टी विपक्ष का नेता पद हासिल करने लायक भी न रह जाए, ये ज्यादा बड़ी बात। जी, ज्यादा बड़ी बात, मैं एग्री करता हूँ आपसे, हम उसके पोस्टमार्टम पर भी आएंगे। आपको क्या लगता है बीजेपी में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं, वो तो डिस्कशन की बात है ना, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब देखते हैं किसको बलि का बकरा बनाते हैं। आप बताइए ना, सीधे बलि का बकरा बनाते हैं, किसको बनाते हैं लोग? नहीं, देखिए दिल्ली के अंदर आज तक चुनाव, ये 5वां चुनाव सदी सुबह नरेंद्र मोदी से लेकर किरण बेदी और अमित शाह और बीजेपी के जितने भी सीनियर लीडर थे, दिल्ली ने सबको नकार दिया। नहीं, निश्चित रूप से जिस तरह के रुझान अभी दिखाई दे रहे हैं, उससे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एक बड़ी सफलता उनको मिल रही है,
और यदि ऐसा होता है सारे नतीजे आएंगे तो बात सही है कि आम आदमी को दिल्ली की जनता ने एक मैंडेट दिया है और इस दिल्ली की जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं और ये हम कहना चाहते हैं कि जो जनादेश लोगों ने दिल्ली के लिए दिया है भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उस जनादेश के साथ है और कहीं ना कहीं लोगों के जो मूड है लोगों का जो विश्वास है शायद उसको समझने में हमसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूल जरूर हुई होगी लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सेवा जिस तरह से करती रही है वैसे ही हम करते रहेंगे और मैं अगर नतीजे बिल्कुल जिस हिसाब से रुझान है आते हैं तो निश्चित रूप से मैं केजरीवाल जी को बधाई देना चाहता हूं और इस हार की सामूहिक जिम्मेवारी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतृत्व की होगी और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के नाते मैं इसको निश्चित रूप से मानता हूं कि हम सब मिलकर के इस हार की जिम्मेवारी को लेंगे। सर एक और बात, जिस तरह से पूरा माहौल रहा 8 महीने 9 महीने की मोदी सरकार का पूरा कामकाज रहा लगातार पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा सेंट्रल लीडरशिप आपकी पूरी इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर थी भुनाने में लगी रही लेकिन कामयाब नहीं हुई, आप क्या फैक्टर मानते हैं बीजेपी की हार का? पहला कि किरण बेदी को प्रोजेक्ट करना एकदम जो पैराशूट कैंडिडेट कहा जा रहा था, या दूसरा बीजेपी की जो अंदरूनी जो सीनियर लीडरशिप थी वो कहीं ना कहीं नाराज थी किरण बेदी को लेकर, या फिर वाकई में मोदी और अमित शाह को जो है नकार दिया, या कोई और कारण आपके साथ है? मुझे लगता है कि कारणों का मूल्यांकन करने का तो अभी समय सही नहीं है। निश्चित रूप से अगर यदि पूरे नतीजे आ जाएं, हमको ये हार मिलती है जिस तरह का रुझान दिख रहा है तो निश्चित रूप से इन कारणों का हम मूल्यांकन जरूर करेंगे उसमें क्या क्या कहां क्या हुआ है, लेकिन अभी आज इसके बारे में कोई चर्चा करना या इसके बारे में कुछ मीनिंग निकालना मुझे लगता है जल्दबाजी है। लेकिन यह सही है कि इसका आत्मविश्लेषण निश्चित रूप से हम सबको संगठन के नाते भी करना होगा और पार्टी के नाते भी करना होगा। दिल्ली के लोगों में जिस प्रकार का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो पार्लियामेंट के चुनाव में लोगों ने दिया था और इस बार उन्होंने आम आदमी को दिया है तो मैं उनके इस मैंडेट का निश्चित रूप से बहुत स्वागत करता हूं और बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं सवाल हार कर अगर हार होगी तो निश्चित रूप से पिक्चर तो पूरी क्लियर। मैंने तो पहले ही कहा कि अगर हार होगी ये हमारे एक सामूहिक मिलकर के जीत होती है तो भी सामूहिक होती है, हार होती है तो भी सामूहिक होती है और निश्चित रूप से बीजेपी अगर हारती है तो इसकी जिम्मेवारी हम सबकी सामूहिक है और इसके बारे में निश्चित रूप से हम विचार करेंगे, इसके बारे में हम एक मूल्यांकन करेंगे, इसके बारे में एक एनालिसिस करेंगे। अलग अलग कारणों के बारे में चर्चा करना अभी मुझे लगता है कि जल्दबाजी है। आपको लगता है एलओपी का पद कम से कम ले पाएगी बीजेपी जो केंद्र में? मैंने कहा ना ये सारे सवाल अभी तो केवल मैं एक ही कहना चाहता हूं कि जो लोगों का जनादेश है उस जनादेश का भारतीय जनता पार्टी आदर करती है और दिल्ली के लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। दिल्ली के लोगों को की जो सेवा हमने की है उनकी उनकी समस्याओं के लिए जो संघर्ष है भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। कप्तान पे बनता है या फिर कहें पार्टी अध्यक्ष जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं जीत हो या उनको पूरा यकीन है उसके आसपास की सारी सीटें हार गई हैं और डिफेक्टर जितने सारे हार रहे हैं तो किरण बेदी का जितने भी चुनाव कराया है दिल्ली के नेताओं में से तो वो बीजेपी का दुश्मन सबसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। अच्छा बीजेपी में बाहर से आए नेताओं को मैं आपका इस पर पक्ष लूंगी प्रदीप जी, फिलहाल ये अब ग्राफिक्स में देखिए कि बीजेपी जो बाहर से नेता लाए गए उनका क्या हाल है। किरण बेदी कृष्णानगर में हार रही है, पीछे चल रही है कृष्णा तीरथ, कांग्रेस से आई आखिरी वक्त में पटेल नगर में वो भी पीछे चल रही है, नुपुर शर्मा जो उनका तो लग ही रहा था हारना तय था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, विजेंद्र गुप्ता रोहिणी में पीछे चल रहे, इसके अलावा विनोद कुमार बिन्नी पटपरगंज से मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो लड़ रहे थे वो भी पीछे चल रहे हैं। स्पीकर थे शायद, स्पीकर देखिए ये मेरा अनुमान बिल्कुल गलत साबित हुआ वो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी का भी अनुमान ऐसा था कि आपको 62-63-64 सीटें मिलनी। बिल्कुल इन्होंने कहा 53+7 कहा था, आप लोगों ने 60 हो गई, 60 तक तो हो ही गया था, इसी सेशन में बैठ करके हमने कहा था 53 तक तो हो ही गया था, हो सकती है तो 60 हो गई ना। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किरण बेदी के आने नहीं आने से इस रिजल्ट का कोई बहुत बड़ा अंतर पड़ता। ये रिजल्ट अब भी हम फिर से कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी के 8 महीने के कामकाज से दिल्ली वालों को जो निराशा हुई है उसका नतीजा है। हर्षवर्धन डॉक्टर हर्षवर्धन होते, विजय गोयल होते, किरण बेदी थी, मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा फर्क पड़ता उससे, कोई भी फर्क पड़ता क्योंकि किरण बेदी को मुकाबले में लोगों ने किरण बेदी के बारे में अरविंद केजरीवाल को देखा
तो दो कैंडिडेट वहां कंपैरिजन हो गए, इसलिए बीजेपी की स्ट्रेटजी ये थी कि मोदी के ऊपर अटैक नहीं हो। और किरण बेदी अरविंद केजरीवाल के मुकाबले में कई एक बोना दिखाई देती है एकदम, बिल्कुल मेरा बिल्कुल अभी मानना है कि मोदी के खिलाफ ये वोट नहीं है, वोट है सिर्फ दिल्ली के नेतृत्व की। किरण बेदी को वहां पर खड़ा करना, उसके मुकाबले पोलराइज कर दिया गया, लोगों ने लगा किरण बेदी को किस लिए वोट दें, ना वो पॉलिटिक्स में नहीं है ना उनको राजनीति आती है। लेकिन प्रभु जी मतलब किरण बेदी आई भी आखिरी वक्त में उतारी गई, और जैसे कि हम आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं वो पिछले 8 महीने से जमीन पे लगी हुई थी, जगह जगह उनकी बैठक हो रही थी। जब से किरण बेदी उतारी तब से वोट परसेंटेज कम होगी बीजेपी, उससे पहले आपने ओपिनियन पोल किया उसके मुकाबले में देख लीजिए आप कितने कम वोट थे। आप ये मानते हैं कि किरण बेदी के आने से गेम चेंजर, अगर बीजेपी हारती ये लगता है मेरे को, परंतु इतनी बुरी तरह नहीं आती अगर किरण बेदी नहीं होती। ठीक है, हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह, अच्छा चलिए योगेंद्र यादव को सुन लेते हैं पहले। आम आदमी पार्टी को 50 से ज्यादा सीट आ रही है, हमने कहा था 57 सीट आ सकती है। हमारे पत्रकार बंधु यहाँ खड़े हैं, बंधु तो वो सब हंसे थे। हेलो भाई साहब क्या करें, लाइव चल रहा है, कनेक्ट हो गए। सबके मन में ये बात थी, योगेंद्र जी पहले तो बड़े आदमी हुआ करते थे, चुनाव की भविष्यवाणी करते थे, अब तो राजनीति में आ गए हैं, और सोच ये थी कि राजनीति में आए हैं तो झूठ बोलते ही होंगे। आज हमने सच देख लिया, इस पूरे देश ने सच देख लिया। दोस्तों ये आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, ये हम टोपी वालों की जीत नहीं है, ये आम आदमी की जीत है। ये उस आम आदमी की जीत है जो देश के कोने कोने से दिल्ली में आता है, न जाने क्या क्या सपने लेके आता है, न जाने कितनी दुख तकलीफ झेलता है, आशा लगाता है और दुआ देता है। आज हमने उस दुआ का असर देखा है। सच्ची 63 हो गई, 63 हो गई। आज हमारी आंखों के सामने इतिहास बन रहा है, ये एक नया इतिहास बन रहा है देश में, जो हम सब जिसके गवाह हैं, ये उन सब लोगों की जीत है। हमारे दोस्त पीछे से बता रहे हैं कि बीजेपी अब सिर्फ 4 सीटों पे रह गई है। अभी 2 मिनट पहले हमारे साथी आशीष खेतान कह रहे थे भाई लोकतंत्र में ऑपोजिशन चाहिए, कुछ सीटें इनकी बचनी चाहिए। नहीं बचनी चाहिए, नहीं 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 नहीं, बचनी चाहिए भाई लोकतंत्र में, विपक्ष बड़ा जरूरी होता है, हम सम्मान करते हैं, विपक्ष की भी जगह होनी चाहिए, इनकी भी उपस्थिति होनी चाहिए। साथियों आज से 2-2.5 साल पहले इस देश ने नई आशा देखी थी, एक उम्मीद की किरण। अरे झंडे झंडे झंडे, किसका रेंज दिया था, लेकिन इतने बड़े सोशियोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव वो भी प्रेडिक्शन नहीं कर पाए होंगे कि 65 सीटें, देखिए अब क्या हाल हो गया है बीजेपी का कि 4 सीटें, मात्र 4 सीटों पर वो आगे चल रही है, और 4 सीटें भी कौन कौन सी मैं आपको एक बार बता दूं, 4 सीटें जिन पर बीजेपी आगे चल रही है वो है रोहिणी, विश्वासनगर, शाहदरा, राजौरी गार्डन और मुस्तफाबाद, यही सीटें हैं, इनमें से एक सीट घट गई होगी, 5 सीट राजौरी गार्डन घट चुकी है इस वक्त, रोहिणी, विश्वासनगर, शाहदरा और मुस्तफाबाद। और किरण बेदी के बारे में लेटेस्ट खबर यह है कि किरण बेदी अभी ट्रेल कर रही हैं लगभग 1700 वोटों से, और बीजेपी को महज 4 सीटें। अशोक टंडन जी क्या हो गया बीजेपी को है? ये तो कोई साधारण बात नहीं है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही असाधारण चुनाव है, खासतौर से इसलिए कि
आठ महीने पहले, सात महीने पहले। आम आदमी पार्टी दोनों को बधाई देना चाहूंगा। जनता का जो निर्णय है लोकतंत्र के अंदर वो सर्वोपरि होता है, सर्वमान्य होता है, और जनता का जो जनादेश इन चुनावों के जरिए हम सब लोगों को मिला है, हम लोग बधाई देना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल जी को, और उम्मीद करेंगे कि जो वायदे उन्होंने किए हैं, जो सपने उन्होंने इस चुनाव के दौरान और पहले जिन सपनों को रेखांकित किया है, उन सपनों को जरूर दिल्ली के अंदर पूरा करेंगे, उन वायदों को जरूर पूरा करेंगे। लोकतंत्र की भलाई के लिए, लोकतंत्र की और मजबूती के लिए मैं दिल से इच्छा करता हूं कि उन वायदों को वो जरूर पूरा कर पाएंगे। आज चुनाव के नतीजे के बाद में जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, मैंने कल भी कहा था और आज भी मैं उसको दोहराना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर हाथ उठाकर तालियां बजाकर लोगों का वादा करते हैं, आशीष के लिए जोरदार तालियां, बहुत ज्यादा जोरदार तालियां। आशीष बेचारा अकेला पैनल में फंसा हुआ खेलता रहता था लोगों को, बीपी के लिए बहुत ज्यादा काफी छोटा है और कोई पूरा वार रूप समा रहे हैं लोगों को, विकास के लिए धक्का मुक्की ना करें, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, आगे बढ़िए, पीछे हो जाए, अच्छा थोड़ा पीछे हो जाइए सब लोग, थोड़ा पीछे जगह छोटा ना भी। 15 दिन पहले मैंने कहा था हाथ में और कितना रश चाहिए तुम, और भी आएगा। लोकतंत्र में जनता नसीब बनाती भी है और जनता नसीब बिगाड़ती भी है। आज जो जीत हुई है वो दिल्ली वासियों की जीत हुई है, हम सब की जीत हुई है। आज जो जीत हुई है वो इसलिए हुई है कि मंच के हजारों मंच के इधर लोगों में कोई फर्क नहीं है, जैसे आप हैं वैसे हम हैं। ये जीत तो आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह के पास, जिन्होंने बात की है मनोज तिवारी से। दिल्ली विधानसभा के नतीजे जिस तरह से आ रहे हैं बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी हैं। मनोज तिवारी जी, जिस तरह से जो परिणाम आ रहे हैं क्या कहेंगे? परिणाम बहुत अफसोसजनक है और इसकी अपेक्षा हम लोगों ने नहीं की थी, खासतौर से हमने तो बिल्कुल नहीं की थी कि ऐसी स्थिति आएगी। कहां गलती हुई? अब ये तो बैठ करके स्टडी करने की बात है, सब लोग बैठेंगे और खोजेंगे कहां गलतियां हुई हैं। गलतियां तो हुई होंगी क्योंकि बिना गलतियों के जो दिल्ली हमको 7 जीरों से दी थी वो इसे छीन तो नहीं सकती थी, तो उन गलतियों की समीक्षा करनी पड़ेगी। मनोज जी, किरण बेदी को लेकर आपने एक बयान दिया था कि उन्हें नेता चाहिए थानेदार नहीं, क्या लगता है कि किरण बेदी की जगह कोई और नेता होता तो अच्छा होता? बीजेपी ने अपनी पूरी कोशिश की है और वो जो थानेदार वाली बात है वो एग्जैक्टली मेरे तरफ से उस ढंग से नहीं थी। मैंने उनके बोलने के लहजे पे एक प्रश्न उठाया था जो पहले सभा में उन्होंने बोला था, लेकिन मैंने बहुत मेहनत भी किया, मैंने करीब 58 जनसभाएं की हैं भाई साहब, तो हम लोगों की कोशिश थी कि हम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, लेकिन शायद हम दिल्ली को समझाने में असफल रहे। बहुत दुखी आप दिख रहे हैं। अब क्या करें, तो ये जो रिजल्ट आया है वो किसी भी कार्यकर्ता को दुखी करेगा। मैं तो सांसद हूं, मेरे ऊपर अगले 4 साल 4 महीने में बहुत कुछ करना था मुझे, तो पहले था कि हमारी सरकार बनती तो हमको काम करना सहज होता, लेकिन अब चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है तो हम जो कार्य करना चाहते हैं उसमें कितना सहयोग करेंगे
या सहयोग करेंगे, इस आधार पर मैं दुखी हो रहा हूं, क्योंकि अब दिल्ली का क्या होगा ये सोच रहा हूं। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का रथ रुक गया। नहीं, नरेंद्र मोदी जी का रथ दिल्ली के चुनाव से रुकने वाला नहीं है, वो निर्बाध गति से चलेगा और देश को जो उन्होंने वादा किया है वो दिल्ली को भी देंगे। क्या आपको लगता है कि किरण बेदी को लाकर आपको उसका नुकसान हुआ? अब ये समीक्षा में देखेंगे। आप पार्टी को जिस तरह से सफलता मिलती दिख रही है, क्या आप कारण मानते हैं, क्या वो अपनी बातों को? अब देखिए, उनकी बातों मुझे नहीं लगता कि ये आम आदमी पार्टी की सफलता है, ये हम कुछ चीजों को नहीं समझ पाए उसकी भी असफलता है, जिसका जिस जो आम आदमी पार्टी की सफलता के रूप में दिख रहा है। बट जो भी हो, आम आदमी पार्टी जो जो वादे करके आई है, वाईफाई, 15 लाख कैमरे और आधे कीमत में बिजली, फ्री में पानी, अब ये सब वो दे दे तो मुझे भी खुशी हो। अच्छा, जो मोदी सरकार के जो पिछले 9 महीने का कार्यकाल है, क्या उस पर रेफरेंडम है? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। नरेंद्र मोदी जी के कार्य से दिल्ली में कोई भी किसी को दिक्कत नहीं है, इसलिए हमको समीक्षा करना पड़ेगा कि हमारी गलतियां कहां कहां हुई हैं। तो ये थे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से दिल्ली का परिणाम आ रहा है उससे वो दुखी हैं। कैमरामैन सुन रावत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज दिल्ली। दुखी होना लाजमी भी है क्योंकि आम आदमी पार्टी 66 सीटों पर आगे चल रही है रुझानों में और बीजेपी 3 पर आके सिमट गई है, जो कि भारत के चुनावी इतिहास में बीजेपी